नहीं बिल्कुल, आज का दिन है तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का और ख़ास तौर पर उनके परिवार वालों को याद रखने का। कई बार हम लोग देखते हैं कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान न्योछावर की, कई हमारे ऐसे शहीद जिन्होंने देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए निरंतरता में अपनी कुर्बानियाँ दी, तो ज़रूरी है शहीदों के परिवारों को, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को, उनको याद करें, उनका सम्मान करें, उनकी शहादत को निरंतर हम लोग नमन करें। और साथ ही में यकीनन इस बात का भी हम लोग आकलन करें कि आज़ादी के इन 75 सालों में हम लोगों ने क्या क्या हम लोगों ने हासिल किया और क्या क्या और हासिल करने की ज़रूरत है। क्या सही मायनों में तमाम उन बंदिशों से हम लोग को आज़ादी मिली जिसकी कल्पना राष्ट्र निर्माताओं ने की थी, जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। भले वो बेरोज़गारी की बात हो, भले वो गरीबी की बात हो, भले वो भ्रष्टाचार की बात हो, भले वो अपराध की बात हो, इन तमाम चीज़ों से सही मायनों में भारत को आज़ादी तब मिलेगी जब हम इन तमाम कुरीतियों से हम लोग आज़ादी पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ और संकल्प लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे प्रदेश के तमाम युवा इस बात का संकल्प लें कि आने वाले समय में कम से कम हम बिहार में एक ऐसी नींव रखें जो कि सही मायनों में आज़ाद भारत को दर्शाता हो, जिसमें भुखमरी नहीं हो, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, जिसमें बेरोज़गारी नहीं हो। इन तमाम चीज़ों से जब तक हम लोग आज़ादी नहीं पाएंगे, तब तक सही मायनों में जिस स्वतंत्र देश की कल्पना हमारे आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानी हो या हमारे शहीद हो, उन्होंने दी, तब तक हम लोग उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।